लैला मजनू ही रांझा रोमियो जूलियट रब की बनाई हुई खूबसूरत जोड़ियाँ ऐसे ही कुछ और जोड़ियाँ भी हैं जैसे वीआईपी और अंधेरा राजीव निगम और उसके घाघरे का घेरा अर्चना और खाना शेखर और समझाना ऐसी कई अजीबो गरीब जोड़ियों के साथ आप सबका स्वागत है इन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। आज हमारी थीम है रब ने बना दी जोड़ी। वैसे ये सिर्फ थीम है, बाकी ऐसे अजीब गरीब जोड़ियां शायद ही रब कभी बनाता हो, लेकिन एक जोड़ी गारंटेड रब ने ही बनाई है। द्रौपदी के सारी जैसी कमेंट्स के साथ भीम की गद्दा से भरी लाफ्टर की जोड़ी, a huge round of applause for कॉमेडी सर्कस की सदाबहार जोड़ी अर्चना एंड शेखर। आज हमारी जोड़ियां अनोखी जोड़ियां बनकर आएंगी, लेकिन अंत में एक जोड़ी बाहर चली जाएगी। चलिए देखते हैं जोड़ियां खुद को बचाने के लिए कितना जोर लगाती है। बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। एक बार लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू ने लक्ष्मी जी से कहा कि कोई उसकी पूजा नहीं करता। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि दिवाली से 10 दिन पहले उसकी पूजा होगी और उस दिन का नाम होगा करवा चौथ। और 90 साल की मुक्ति ने भी अपने उल्लू अपने पति कपिल के लिए रखा है करवा चौथ। प्लीज वेलकम कपिल एंड मुक्ति। जवानी में डांस शो क्या जीत लिया साले, अभी तक नचा रहे मुझे। और अर्चना तुझे तो पता ही होगा ना कि आज करवा चौथ है, देख तेरे लेके आ लाई मैं। अरे कमक तुम्हारी, मैं भी किससे पूछने लगी, मर्दों को कहाँ ध्यान रहता है इन सब के बारे में। अच्छा वैसे पिछली बार तूने परमीत के लिए रखा था ना व्रत, पिज्जा बर्गर वो जो क्या होते हैं लंबे लंबे वेजीज खा रही थी। मैं से पूछी क्यों नहीं, क्या खा रही तू? तू कहने लगी कि फास्ट फूड फास्ट के दिन नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी। अच्छा जरा देखो सूरज डूबा के नहीं। खासो और खासो, कितनी बार कहा है इस उम्र में नाचा मत करो। ना इस उम्र में कुछ करने देती है ना उस उम्र में करने दिया। तभी अभी तक हमारे दो बच्चे हैं। दो नहीं है, तीन है। ये तीसरा कब हो गया? याद है बारिशों के दिनों जब हुआ था। वो मेंढक साला। मेंढक ना है वो, बच्चा है हमारा। शकल तो साले की मेंढक जैसी है ना। अच्छा ये बताओ इतनी देर क्यों कर दी आने में, कब से इंतजार कर रही मैं? बात सुन, अकेले में कभी मेरा वेट नहीं करती, इतनी पब्लिक के सामने क्यों वेट कर रही है? अरे आज स्पेशल ओकेजन है, मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। पिछली बार की तरह किचन में मत रख देना, बिल्ली पी गई थी। सिर्फ नहीं व्रत रखा है। अच्छा व्रत रखा है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। खाएगी कैसे बुढ़िया जब उठे ही शाम के 4 बजे हैं। अरे वो कमबख्त बियर पी के कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और एक ही बियर में अर्चना चढ़ गई मुझे ऐसी। आए, आए। आए। जवानी तुझे अब तक नहीं चढ़ी, बियर तुझे एक ही चढ़ गई है। ज्यादा मत बोलो जी, जवानी नहीं चढ़ती तो तीन तीन बच्चे कैसे होते हैं? ए तीन बच्चे तेरी जवानी की वजह से नहीं हुए, ये तो मेरे रोमांटिक होने का रिजल्ट था ये। चाचा बकवास बंद करो और जरा देखना सूरज डूबा के नहीं। आए नहीं डूबा, मुझे लेकर ही डूबेगा आज। कमबख्त सुबह से कुछ खाया नहीं, मर गई मैं। मैंने कौन सा खाया सुबह से कुछ? हाय सच्ची अर्चना, इसे कहते हैं सच्चा प्यार।
अबे प्यार व्यार कुछ नहीं, मेरे दांत नहीं मिल रहे, सुबह से कहाँ रखे हैं मैंने। हाँ सुबह से जूस पी पी के गुजारा कर रहा हूँ। अभी मेरे मुंह में दांत होते अब तक तो मैं समझ नहीं आती तुम्हें, तुम्हारी बीवी भूखी प्यासी करवा चौथ का व्रत रखे, थक गई मैं। तो किसने कहा था ऐसे रखने, खा पी के रख लेती है। तेरा तो सुबह से मैंने ना तेरे जो दांत है ना ब्रश करके, तेरे उठने से पहले ब्रश करके रख देती हूँ। देख ले शेखर कितना बुढ़ा हो गया हूँ मैं, नकली दांतों में से भी दो टूट गए। किधर लगाऊ, मुंह में तो लगते नहीं, बगल में लगा लेता हूँ मैं। देखा कितना ध्यान रखती हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हें तो जरा सी भी फिकर नहीं मेरी। फिकर करूँ तेरी मैं, मुंह पे झुर्रियां देखी अपने, फिकर क्या, तेरा तो जिक्र करने का दिल नहीं करता मेरा। आई बड़ी हाय, आज तो ताने ना दो, लंबी उम्र के व्रत रखा मैंने। तो एहसान किया क्या, लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, और तुम औरतें जितना मर्जी व्रत रख लो, मर्द मरते साले हम ही है पहले। शक्ल में मत जाना है, देखने में बुढ़ी लगती है। अभी भी साली दो चम्मच शंख पुष्पी के पी के मैराथन में दौड़ लगाने निकल जाती है। एक तो साला यमराज भी लेके नहीं जाता इसे, दो बार लेने आया, रो रो के बोलती तेरी माँ की उम्र की है, मुझे मारेगा तू। तो इमोशनल होके और 6 साल बढ़ा गया इसकी उम्र। अरे मर जाऊंगी जब मरना होगा, शादी से पहले मेरे सपनों का राजकुमार हुआ करता था। और अब अशोक कुमार बन गया, खास खास के मेरा कान फाड़ दिया। देखना जरा चांद निकला के नहीं। चांद निकलेगा भी कैसे, और निकलने को आता है तेरा मना करता हुआ, मुंह देख के फिर झुक जाता है वो। और मेरे को बात बता एक। हाँ बोलो। ये तुम औरतें चांद को देख के व्रत क्यों तोड़ती हो हैं? क्योंकि चंदा में सबसे प्यारा होता है। आए। चंदा प्यारा लगता है तुम्हें है? हाँ। और बच्चों से कहती हो चंदा तुम्हारा मामा है। मुझे तो साला करवा चौथी फर्जी लगता है ये। शेखर बेटा ये जो अंग्रेज औरतें हैं ये कहाँ रखती हैं व्रत जैक और जॉन के लिए? रखती हैं। और वो साले कहाँ मरते हैं? उल्टा बुढ़ापे में पटाया जाके और एंजॉय करते हैं वो। तुम्हारी लंबी उम्र इस करवा चौथ की वजह से हुई है, दमा की प्रॉब्लम जो खांसते रहते हो वो भी इसकी वजह से सही हुई है। अच्छा हाँ। तो ये जो डॉक्टर दमे के मरीजों का इलाज करते हैं वो क्या करवा चौथ रखते हैं साली? पहले से इतनी बीमारियां हैं। करम जले 1000 बार बोला है मेरे भाई से इलाज करा लो। मारूंगा तेरे मुंह पे कुनी। तेरे भाई की वजह से ये हाल हुआ है, पहले तो मुझे सिर्फ खांसी जुकाम हुआ करता था, अब तो साला 300-300 ग्राम शुगर निकलती है। इसका भाई इतना फर्जी डॉक्टर है, कमबख्त मारा एक्सीडेंट लेके, कोई इलाज करवाने गए बंदे दो लेके, एक्सीडेंट हुआ बचा ही नहीं पाया, ऊपर से कमीना कह रहा है 1 घंटा पहले ले आते तो बचा लेते। अभी साली जब एक्सीडेंट ही 15 मिनट पहले हुआ, 1 घंटा पहले गया खुद मार के ले जाते। कमबख्त चांद निकल क्यों नहीं रहा, थक गई मैं। चांद कैसे निकलेगा वो तो खुद सोच रहा है, ऐसी कॉमेडी करके बुढ़ी अब तक क्यों नहीं निकली बाहर। चांद निकल गया, चांद निकल गया। आए, अगर चांद नहीं निकलता तो क्या करती थी बुढ़िया? अरे चांद नहीं निकलता तो क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे करतब करती हूँ आज खाऊं। क्या कर लेती है तू? ए देख जलती हुई मोमबत्ती से ऐसी जल जा कमबख्त में। ये देख जलती हुई मोमबत्ती से मैं ऐसे चांद निकाल देती, चांद तो कुछ नहीं ये कपड़ा भी निकाल दूंगी, ये देख। ये क्या है? ये आरती की थाली है जी। आरती की थाली तू ले आई, वो करवा चौथ कैसे तोड़ेगी? छोड़ो जी, ये देखो ये क्या कर रही है। अरे छन्नी में ना चंदा को देखकर अपने पति को देखते हैं सारे। हे हे कौन है हैंडसम? दिल करता है मुक्का मार के तेरी गर्दन तोड़ दूं मैं। साली पिछले 5 मिनट से मुंह साफ कर रहा हूँ, जरा सा चिकना लौंडा देख के तेरी छन्नी उधर घूम गई, मारूंगा तेरे रख के मैं। मीठा कर लो। अरे मिठाई में क्या खाऊं, पहले से शुगर रख इसको। और मेरी लाडो
मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की जरूरत ना आवे। मेरे को तो एक पप्पी दे दे, ऐसे मुंह मीठा आ जाएगा। इतना रोमांटिक होने की जरूरत ना है, चौथा ना करनी मैं। चल खाना खिला, भूख की मर गई सुबह से। ले खा ले खाना, ये ले खिला। सीधा रख, मुंह नाक में घुस जाएगा, अच्छी रहेगी। ले खा ले। कुछ नहीं जहर है, मर जा। पहले साफ करने तो, नई साड़ी है। शेखर बेटा, पिछले 35 साल से कह रहा हूँ मैं, तेरा हाथ का बना हुआ खाना जहर है, मानती नहीं थी साली। आज मान गई तू? ये औरतें समझती है यही अपने पति के लिए करवा चौथ रखती, हम कुछ रखते नहीं क्या? ये देखो LIC की पॉलिसी रखी है, पूरे 15 लाख मिलेंगे। 15 लाख? क्या कहा, 15 लाख? दो कंगन बना दे सोने के। तेरा बेड़ा गर्क, फिर रास्ते से वापस आ गई तू है? दो कंगन क्या, यमराज के बेटे के बर्थडे पे जाएगी तू? मरती नहीं तू? तुम तो यही चाहोगे ना कि बुढ़िया मर जाए। आए आए, मेरी लाडो गुस्सा क्यों कर गई है? मैं तो मजाक में बोल रहा था, बुढ़ी नहीं है तू। अब नंबर भी मांग लो। इस बूढ़े कपल को क्या जवान कमेंट्स देंगी अर्चना जी? इतनी बढ़िया बुढ़िया मैंने नहीं देखी। आई हैव टू से दिस कि कपिल, आज मुक्ति आप पर छा गई, आपको खा गई। मुक्ति, यू वर सिंपली आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज, थैंक यू सर, थैंक यू, स्टैंडिंग ओवेशन। कपिल आज वहीं थे जहां वो अक्सर होते हैं, आप थोड़ा और ऊपर हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया कमेंट्स के बाद बढ़िया स्कोर्स। अर्चना जी, इस हसीन बुढ़िया के लिए ये हसीन बढ़िया स्कोर्स। 10 थैंक यू। वाओ शेखर जी, वंस अगेन 10 पॉइंट्स। जोड़ी पति येड़ा और पत्नी टेढ़ी। सीधा साधा पति जब जाता है घर से बाहर, उसकी रैप्चिक पत्नी दिखाने लगती है पूरे मोहल्ले को अपने असली तेवर। प्लीज वेलकम पति मनीष पॉल विद राजीव निगम एस पत्नी। नमस्ते शेखर जी, नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते भाई। वैसे हमारा देश कमाल का है और कमाल कमाल की जोड़ियां यहाँ पे बनी है अब। खास तौर पे वो जोड़ियां जो रब ने बना के भेजी है, जैसे हम दोनों की जोड़ी। देखा कितनी प्यारी, कितना प्यार है हम दोनों में, ये देखिए आप, कितनी स्वीट है, वेरी गुड। मेरी ज्यादा तारीफ मत किया करें। देखिए हम दोनों की जोड़ी ना, नहीं एकदम गुजराती नाश्ते के जैसी है, नहीं एकदम ये नमकीन है एकदम फाफड़े के जैसे, और मैं एकदम ने मीठा ने जलेबी के जैसे। हाँ। अब जाइए ना, अपना टिफिन लीजिए, आपको लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। कितना ख्याल रखती है। टिफिन टाइम टेबल स्लीवलेस ब्लाउज, कितना ख्याल रखती है। छतरी नहीं दी। ओ एक मिनट, ये लो। अरे आज तो तुमने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा ना। न्यूज़पेपर देखा कितनी स्वीट है, पहले पेपर पढ़ाएगी फिर भेजेगी। चलो भाई मैं जरा आराम से यहाँ पेपर पहले पढ़ लूँ। देखिए क्या है, ताज़ा खबरें अगर आदमी ना पढ़े तो सुबह सुबह आती नहीं है। थॉट्स जरा पेपर पढ़ लिया जाए भाई, आप भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पेपर बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह, लेकिन मैंने तुमसे डार्लिंग अम्ब्रेला कहा था, छतरी छतरी। रुको कुछ मैं भी कर लेता हूँ। चलता हूँ मैं काम पे। चाहिए ना टिफिन लेकर के, टाइम से खा लीजिएगा। हाँ थैंक यू, बाय डार्लिंग। बैग तो लेते जाइए ना। ओ कितनी स्वीट, आई विल मिस यू, जल्दी आता हूँ, बाय।
शेखर जी मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? बोलते हैं जल्दी आता हूँ और जल्दी आ भी जाता है। अभी तक शेखर जी आपने मेरा सिर्फ सटायर देखा है, अब आपको मैं अपना अटायर दिखाऊंगी। ये ले, तेरी टांगों में जुखाम हो जाएगा। अब मैं हेलो हेलो बनिया क्या भाव है धनिया? भाव पूछ रही हूँ कि भाव दे रही हूँ? जो भी समझो। पहले ये बताओ क्या चाहिए? गरम आ रहा हूँ। गरम मसाला चाहिए। शुक्ला भाभी, पहचान गया। भाभी चिंता मत करो, गरम मसाले की जी छोड़ो, मैं चने की दाल घर लेके आऊंगा और घर पे कूट कूट के पेसन बनाऊंगा। तीसरे माले में मुलाकात होगी। ये तो पता नहीं बेसन लेके कब आएगा। नंबर टू, हेलो फायर ब्रिगेड, जल्दी से आ जाओ, कम फास्ट। अरे क्या हुआ? व्हाट यू मीन क्या हुआ? फायर ब्रिगेड को फोन किया तो आग ही लगी होगी ना। आग लगी है? हाँ। अब मैडम देखिए अभी सारे बिजी हैं, अब लोग आते हैं, आप सब आपके यहाँ आते हैं। सब लोग नहीं, एक एक करके आना समझे। एक एक करके? हाँ। मैडम आग लगी कहाँ है? खुद ही आके देख लो ना। शुक्ला भाभी, शुक्ला भाभी चिंता मत करो, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं खुद ही घर आ जाऊंगा और मैं बता रहा हूँ, 3 टैंकर पानी लेके आऊंगा, पूरी आग बुझा दूंगा मैं। पता नहीं ये टैंकर लेके कब आएगा। इन लोगों को तो पता नहीं कब आएंगे, पड़ोसी शर्मा जी को ट्राई करती, बाजू वाले फ्लैट में रहते हैं। हेलो शर्मा जी, नहीं पहचाना? एक मिनट। शुक्ला भाभी आप घर पे हैं ना? मैं आ जाऊं? ओके शर्मा जी ने बुलाया, शर्मा जी ने बुलाया। ओके बाय, मैं अभी आती हूँ। अरे जानू डार्लिंग, अरे जानू डार्लिंग, लगता है मंदिर गई होगी। शेखर जी ऐसी सुशील पत्नी किसको मिलती है? और वैसे कई लोगों ने मुझे कहा था, कहते हैं यार शादी करना मतलब हाथ जलाना है। मैंने कहा भाई शादी करके हाथ कौन जला सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, आप बताइए शादी करके नहीं किसी का हाथ जला है? हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी आएगी, सब ठीक हो जाएगा। जानू डार्लिंग कहाँ से आ रही है? शर्मा जी के यहाँ से। शर्मा जी के यहाँ? वहाँ क्यों गई थी भाई? वो भी तो हमारे यहाँ आते हैं ना। अच्छा, मैंने तो आज तक नहीं देखा यार। जब आप ऑफिस जाते हैं तब आते हैं। क्या? कल शेखर जी मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। शेखर जी अरे क्या तो शर्मा फिक्स एक्शन 500 लेके घर में घुस आया था। तुम गलत ही सोचना, वो डायरेक्ट खुद आए थे एक्शन लेने के लिए। अपने हाथ में झंडू बम लेकर के, और उन्होंने ना पूरे सिर में बम मला था। सुनिए काम कीजिए ना, बोलो जाके आलू ले आइए ना। कल कल ही लाया था 5 किलो आलू। तो फिर कुछ तो ले आइए ना कुछ। अच्छा समझा, चाल है इसकी, कुछ तो ले आइए, बहाने से बाहर जाओ और वो शर्मा यहाँ घर पे आ जाए। मैं सब समझ रहा हूँ तेरी चाले। बस तुम गलत ही सोचना, शर्मा जी को आना नहीं है, शर्मा जी को जाना है अलमारी में छिपे। चलो मेरी
भी शर्मा को मैं ढूंढू शर्मा कहाँ है शर्मा शर्मा यहाँ पे नहीं है पूरे घर में ढूंढ लूंगा ओह माय गॉड क्या हो गया शेखर जी मैं पहली बार पकड़ी गई ओह माय गॉड हे भगवान शर्मा जी की रक्षा करना शर्मा जी एक मिनट एक मिनट हेलो हाँ कौन शर्मा जी आप अलमारी क्या खिड़की से कूद के भाग गया ओह माय गॉड पड़ोसी हो तो ऐसा हो एक मिनट वो आ रहे हैं होल्ड करना हाँ पूरा घर छान मारा शर्मा नहीं मिला देखा ना तुम मेरे ऊपर फालतू में शक करते हो मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी जानू डार्लिंग मैं माफी चाहता हूँ घुटनों पे बैठ के माफी चाहता हूँ ऐसी पत्नी पे शक किया मैंने माफ कर दो मुझे डार्लिंग लेकिन आज मैं कहूँ आज आलू प्याज नहीं आज तुम्हारे लिए चिकन बनेगा चिकन ओह माय गॉड मेरे लिए चिकन चिकन तो स्टेशन में मिलेगा आने जाने में एक घंटे तो लगेंगे ना जानू डार्लिंग हाँ। मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए चिकन लेके आता हूँ जल्दी आना हेलो शर्मा जी वो चिकन लेने गए स्टेशन पे जल्दी आइए आपके पास सिर्फ एक घंटा है ट्रिन 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 हेलो कौन हाँ 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 मनिया बोल रहा हूँ दाल लेके नीचे खड़ा हूँ आऊँ तीसरे माले पर ट्रिन 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 हेलो मैडम फायर ब्रिगेड वाला बोल रहा हूँ तीन टैंकर की जगह चार ही ले आया हूँ आ जाऊँ तीसरे माले पर हेलो ट्रिन ट्रिन हेलो हाय एक्चुअली मैं शेखर बोल रहा हूँ आई लाइक द डाइकोटम ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ योर परफॉर्मेंस मैंने सुना आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो मैंने सोचा मैं खुद पर्सनली आके आपकी परफॉर्मेंस को जज करना एक मिनट मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा है समझे क्या वो भी कमेंट्स में निकाल दोगे क्या तुम वैसे शेखर को कैसे मालूम हुआ शेखर को तो मैंने फोन भी नहीं किया था ओ नॉटी माउथ पब्लिसिटी थैंक यू हेलो शेखर जी इस लॉजिक से तो मैं भी तुलसी तेरे आंगन की तू फिर ऐसे आ गई यार कलर कोऑर्डिनेटेड जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी ये कमाल की जोड़ी थी कि जहाँ शुक्ला भाभी जो थी वो ये रब ने बना दी जोड़ी बट शी वॉज रबिंग विद ऑल द मैन एक्सेप्ट हर हस्बैंड बढ़िया एक्ट था मनीष आपने बहुत अच्छा किया आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रोल था इतने सारे कैरेक्टर्स आपने बखूबी निभाए बहुत अच्छा थैंक यू कॉमेडी सर्कस में बहुत यंग एक्चुअल लड़कियों ने डांस किया है लेग दिखाया है क्लीवेज दिखाई है एंड देव शेकन देव बूटी सो टू स्पीक लेकिन ये इम्पैक्ट तुम्हारे पूरे साड़ी क्लैड में दिस इज लाइक अ गुड हिंदी फिल्म जहाँ पर श्रीदेवी इज क्लैड फ्रॉम हेड टू टो बट शी इज मोर सेक्सी देन ऑल द गर्ल्स हु आर इन मिनी स्कर्ट्स राजीव कुछ ऐसा तुमने नया यहाँ पर एक दौर शुरू कर दिया है वेरी वेल डन चलिए इस सुखी परिवार के लिए सुखी स्कोर्स अर्चना जी आपको मिलते हैं 9 points शेखर जी आपको मिलते हैं 9 points अगेन ओसामा बिन लादेन नाम ही काफी है इस एक नाम से दुनिया हिल जाती है अब सोचिए अगर इनकी भी जोड़ी बन जाए तो आ रही है दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी ओसामा और ओसामा प्लीज वेलकम हमारी लाडली जोड़ी कृष्णा एज रियल ओसामा और सुदेश एज फिल्मी ओसामा या हाँ मिस्टर हाँ स्पीकिंग लादेन लादेन बोल रहा हूँ नहीं आप मुझे बताओ ना कहाँ फोड़ना है हाँ 1,00,000 रुपया लूंगा ओ यार नारियल ही तो फोड़ना है ना 1,00,000 रुपया लूंगा हैं जी ना रिबन काटने के 20,000 अलग हाँ जी और 14 रुपये 3-wheeler के अलग ऑटो रिक्शा के हाँ जी थैंक यू देख लो अर्चना जी कितना पंगा एक फिल्म इंसान की हिट हो जाए रातों रात ही सेलिब्रिटी बन जाता है आपको पता आपकी भी एक ही हिट हुई है नहीं मुझे तो बता दो कौन सी हिट हुई है मैं भी देख लूं <laughs>
कुत्ते का बच्ची साली चूहे का लेंडी तुम समझते क्या अपने आप को हा? हमारे जेरोस कॉपी करके पिक्चर बना के हमारे मुंह काला किए तुम हम तुम्हारा बदन में इतना छेद करेगी इतना छेद करेगी कि तुम्हारा असली छेद ढूंढने में 24 घंटा लग जाएगी यहाँ मैं थप्पड़ मारना तेरे पागल हो गया तेरा धुरफेड़े मुंह तेरी कादे मारे कुकड़ पाते मोशे आते ही गाली क्लोज कर दिया यार मेरी इज्जत करो कोई दुआ कोई सलाम है ओके अस्सलाम वालेकुम जय महाराष्ट्र तुझे अम्मा इला फोड़ना नहीं मी तुला काय समझतो आपल्याला कुत्र्या मेल्या दाढ़ी कापून टाकेल तुझा कुठे तू नालाय तू साल्या मला मराठी पण येते बोलायला जय महाराष्ट्र क्या है इतने गुस्से में क्यों हो यार क्या हो गया हुआ क्या तेरे को महाराष्ट्र का नाम मत लेना हमारे सामने कितना प्रॉब्लम हुआ हमको क्या हुआ क्या हुआ क्या अरे हमारा फ्लाइट ऐसा ऐसा उतर रहा था हा? और ये रेलवे स्टेशन पे लैंड होने वाला था यार पागल है तू सॉरी सॉरी आई मीन बस अड्डे पे अरे अमला अरे यार हमारा प्लेन सही जगह थोड़ी लैंड होता है तुमको तो मालूम है हम जैसे हमारा प्लेन लैंड हुआ स्टेशन पे हमारा कोई पॉकेट मार लिया यार कमाल है ओ पठान हो के पॉकेट मरवाते हो अच्छा ही देख लो मेरे कितने फैन हो गए यार मैं क्या करूं देखो मेरा फैन है देखो गेटअप भी मेरी तरह लेके आया है पूरी पर एक बात सुन ले मेरी तू कितना भी गेटअप कर ले मेरी तरह ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है अच्छा ये बात तुम हमको समझाएगा तो साले तेरे को समझाऊंगा और ये बात मैं प्रीतम को समझाऊंगा जाके तू मेरे सामने तेरे को समझाऊंगा तेरे भाई को समझाऊं जाके हमारे भाई हमारे 100 भाई है हमारे 172 सिस्टर है कमाल है यार इतने भाई बहन लगता तेरे पापा ने घर पे फैक्ट्री खोली होगी बच्चों की बहुत ज्यादा बोलता है तुम क्या करें ये सब मैंने परम पूजनीय उस्ताद शेखर जी से सीखा है तू मेरे घर पे आके मेरे से सवाल करे यार तू है कौन हम ओसामा बिन लादेन है एक बार फिर बोल कौन है तू हम ओरिजिनल ओसामा बिन लादेन है अब अगर तू दोबारा बोला ना ये तो मैं इतनी जोर से हंसूंगा अर्चना जी को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अर्चना हम ये नाम किधर सुना है या अर्चना कौन है अर्चना जी कमाल है जितने भी घटिया लोग हैं इन्होंने आपका नाम जरूर सुना होता है ये अर्चना पूरन सिंह है ये अर्चना है हाँ इससे बात करो हमारा गैंग में शामिल होगा ओ इसका मतलब कि तू अर्चना जी को ऑफर देने आया है यहाँ पे हम अर्चना को ऑफर देने को नहीं हम तुमको मिलने को आया है अपने आप को तुम लादेन बोलते है साला चूहे का लेंडी साला मुर्गी चोर और मैं तो फिर भी मुर्गी चुराता हूँ तू अमेरिकन कुत्तों से डर के इधर मुर्गा बन के घूम रहा हमको मुर्गा बोलता है तुम्हारी माँ का साकिना काम तुमको छोड़ेगा नहीं मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो यार तुम्हें बार बार गुस्सा आया था यार तू ऐसे सेलिब्रिटी नहीं बन सकता बकवास बंद करो हम ऑलरेडी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तुमको मालूम है हमने दुनिया में हर जगह धमाका किया है यार कमाल है धमाके कर रहे हो फेमस होने के लिए यहाँ आके 4 एपिसोड में तबला भी आ लेते इतना फेमस हो जाते आप आए कहाँ से हो हम लोखंड वाला से तुमको मालूम नहीं हम पाकिस्तान से आए पाकिस्तान से आए हो हाँ। तो फिर यहाँ क्यों आए यार वहाँ बिग बॉस में जाओ वो जितने भी बेरोजगार पाकिस्तानी उनको सेलिब्रिटी बना रहे हैं वहाँ पे अरे लेकिन हम उधर चला जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा हमको ऐसा जगह जाने का जहाँ हमको कोई देखे नहीं किसी को शक ना हो अच्छा 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 छुपना चाहते हो हाँ। किसी को पता ना चले हाँ।
अर्चना जी के घर चले जाओ। नहीं नहीं, हमको अर्चना के घर पे नहीं जाने का। क्यों? हमको मालूम है कि तुम उनको सब आदमी आदमी बोलते है, लेकिन वो असल में औरत है और पठान को औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किसको लेके जाओगे? लेके हम तुमको बताएं किसको लेके जाएगा। शेखर, आई वॉन्ट टू टेक यू होम। क्या कहना चाहेंगी इस ओसामा और ओसामा के बारे में? पूरी दुनिया ढूंढ रही है रियल ओसामा को, हमारे पास दो दो ओसामा यहाँ मौजूद है। अभी असली ओसामा ने तो भयभीत किया है दुनिया को, लेकिन तुम दोनों ओसामाओं ने सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। वेल डन। थैंक यू शेखर जी। वेल, लाइक ऑलवेज, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू सर। अर्चना ने पेमेंट पाने के लिए भूख हड़ताल की है। वीआईपी ने बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका लगाया। क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ ना? कुछ बातें कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, जैसे दिन और रात की जोड़ी कभी एक साथ नहीं मिल सकते। और इस कभी ना बनने वाली जोड़ी को ला रहे हैं राजीव एज दिन और काम्या एज रात। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सर, अगर आप प्यारे बोल बोलेंगे तो जग में जरूर रह के जाएंगे, इसलिए डाल दीजिए, जग मैं घर से लेके आया हूँ। शर्म आ रही है। प्लीज सर, शुरू में ही अगर आप प्यारे बोल डाल देंगे तो मैं बहुत, अरे और काला कपड़ा कभी वर्क नहीं करता सर, ये देखिए, अगर आप डाल देंगे ना तो मैं पक्का खुश हो जाऊंगा। अरे मैंने बोल कहे थे, आपने बॉल डाल दिए। खैर, बॉल पे बोल लिखे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये तूने दिन बन के हमारा दिन खराब किया है, तेरा बेड़ा गर्क। लेकिन रात की टांगे दिखा के तूने खुश किया, इसलिए तुझे मिलते हैं 10 नंबर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि शो रात का है, लेकिन दिन आपका फिर भी स्वागत करता है। लेकिन आप बताइए कैसी रही? बहुत अच्छी। मैं नींद की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, नींद की मैं भी बात। लगा होगा कि दारू की बात कर रहा है सर। मैं जब आप पीते ही नहीं हो तो मैं क्यों बात करूँगा सही है दूध की। लेकिन फिर वही काम, सुबह उठे, तैयार हुए और निकल पड़े अपने अपने घर वापस। क्यों शेखर जी? और उसके बाद आती है रात, हम दोनों मिल नहीं सकते कभी। पाकिस्तान की रात है। ये सामने का बच्चे को इनविटेशन दे रही है। शट अप। रात बच्चों के लिए नहीं होती है, रात होती है जवानों के लिए। क्यों शेखर? यकीनन। ये तुझे जवान दिख रहे हैं? मतलब? अरे मतलब अभी इनका तो वोटिंग कार्ड आने में 6 महीने बचे हुए हैं। अच्छा। हाँ। और जो बाजू में बैठी है उनका? उनका तो वोटिंग कार्ड रद्द हो गया। क्यों? क्यों? अरे वोटिंग कार्ड पे राशन लेने चले जाते थे। लोगों ने कितनी बार समझाया वोटिंग कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है। ए दिन और रात में समाजा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हर कोई तो लगा हुआ है दिन रात एक करने में। पर मेरी मम्मी अर्चना कहती है कि रात अच्छी नहीं होती, दिन में काम करके आदमी तरक्की करता है। हाँ। लेकिन शायद तुमने सुना नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। वो तो होगी ही, क्योंकि रात को मिलजुल के जो काम होता है। लेकिन तू किसी काम की नहीं है। मैं काम की नहीं हूँ? अगर मैं ना होती तो इस देश की आबादी इतनी ना होती। ओए, तेरी वजह से नहीं है, सब चौकीदारों की वजह से है। जागते रहो। सालों जब सोएंगे नहीं कुछ तो करेंगे ही। दिन में क्या होता है मैं बताती हूँ, चलो अनीता का घर ले लेते। अनीता ने तो खुद घर नहीं लिया होगा, खुद बाबा की गोदी में बैठी रहती है। चलो कामयाब पंजाबी का घर ले लेते हैं। ठीक है।
सुनिए सुनिए जी सुनिए ना, इनको है ना इज्जत रास नहीं आती, अब सुनेंगे। अरे काम मर गया ओए, ओ सुरेंदर। दुनिया में एक ही सुरेंदर है, कुछ कम फेमस भी होते हैं इज्जतदार लोग। लेकिन मजे की बात यह है कि बजाता ये भी सिर्फ तबला ही है। और कितनी बार मैंने सिखाया है? दिन तक ही करता रहता है। अरे कितनी बार कहा है कि तू भी जरा सीख ले ढंग का, धबर 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 धबर। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाओ मेरे लिए जलेबी के साथ दारू ले आ। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। बाप का नाम मत ले। बाप इतना अमीर है कि तुझसे ज्यादा मंथली में तो कुत्ते रखे। जानता हूँ मैं इसके अमीर बाप को, दूसरों की गाड़ियों के शीशे पे उंगली से अपना नाम लिखता है, गुरदीप सिंह ढिल्लों की गड्डी। बड़ा आया गेट वे ऑफ इंडिया पे खड़ा हो, कह रहा ये मेरे दादाजी की याद में बनाया गया। मैंने कहा ये गेट, कहता नहीं गेट के बीच वाली जगह। मेरा बाप तो दूसरों की गाड़ी के शीशों पे उंगलियों से नाम लिखता है ना। अरे वो तेरा बाप अमीर बहुत है, जब किसी की गाड़ी ठोक देता तो वहाँ नाम फोन नंबर लिख के आता है कि घर से आके पैसे ले जाना। चला सोते हैं। नहीं नहीं, आपको तो मेरी शक्ल नहीं देखनी। नहीं वो तो अब भी नहीं देखनी। हाँ? है, तेरे गुण देखूंगा, तेरा स्वभाव देखूंगा। चलो तो देखा आपने कि कैसा होता है। वैसे अर्चना जी आप तो जानती ही होंगी, रात को पति उन गलतियों की भी माफी मांग लेता है जो उसने की नहीं होती। हेलो, वो परमीज जैसे होते हैं जो पत्नी के सहारे बैठे रहते हैं। शेखर जी तो दिन दहाड़े अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं, रात को तो लड़के घर से चले जाते हैं। क्यों? अबे दूसरे घर भी तो कवर करने होते हैं, लेकिन सुबह टाइम पे घर आ जाते हैं। शेखर जी दिन अच्छा होता ना? एब्सोल्युटली। रात और सबसे ज्यादा अच्छी होती है सुहाग रात, जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। हाँ वो तो करेगी, दिन में पकड़े जाने का डर जो होता है। वैसे छापे तो रात में भी पड़ सकते हैं। अबे रात का कैरेक्टर कर, अपनी बातें मत बता। ऐसे करेक्टर करती है कभी मेरी स्क्रिप्ट पे छापा पड़वाएगी ये। बदतमीज। तो तू ही बता दे कभी सुहाग दिन मनाया जाता है? इस रात मूर्ख को क्या बताएं सुहाग दिन। रात को तो सिर्फ आवाजों का ध्यान रखना पड़ता है ना, दिन में तो कमरे के हर छेद का ध्यान रखना पड़ता है। पड़ोसियों के बच्चे इतने कुत्ते होते हैं, छेद में से निकल के कहते हैं औरतों पे अत्याचार बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो। साले मोहल्ले में बाजा किसी के घर में बजे, दूध ये पीना शुरू कर देते हैं। ये दिन रात की आड़ में कैसी गंदी गंदी बातें करके सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, अब तो मेरे ढलने का टाइम आ गया है। ये मेकअप के पीछे की सच्चाइयां यहां मत बता, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ, पड़ा रहने दे। ये रात के पर्दे मत हटा वरना पता कुछ सामने आएगा। क्या सामने आएगा, क्या रात के पर्दे, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? रातें रंगीन होती है, लोग जाम से जाम मिलाते हैं। और वही लोग सुबह उठ के बाबा रामदेव की सांस से सांस मिलाते हैं। अगर रात ना होती तो बच्चे पैदा ना होते। अबे ओ आजकल रात का इंतजार कौन करता है, ऐसे काम दिन में ज्यादा फास्ट होते हैं। और याद रखो जो शो रात को हिट होते हैं दिन में ज्यादा रिपीट टेलीकास्ट होते हैं। अभी पता चल जाएगा। ये बता अर्चना जी को दिन पसंद है या रात? इनका तो पता नहीं पर हमें अर्चना जी पसंद है दिन रात। अर्चना जी आप तो इन्हें दिन रात पसंद है, बताइए ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? इट्स अ वेरी वेल रिटन एक्ट, इसमें पंचेस बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन एक थ्रू आउट द एक्ट एक स्माइल रहती है फेस पर, देर आर सम वेरी नाइस पंचेस ऑल्सो। बहुत सफाई से लिखा गया है और बहुत डिफिकल्ट है लिखना, सो हैट्स ऑफ। इस शो की यही खासियत है कि हर बार ऑडियंस भी यही सोचती है और हम एज जजेस भी यही सोचते हैं कि अब क्या, और हर बार ये कुछ नया सोचते हैं और आप लोग हर बार कुछ नया करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि दिस इज़ द ओनली जेन्युइन कॉमेडी शो जहां हमें पुराने जोक्स नहीं सुनने को मिलते। आई मीन इसके जो लाइंस की एक दिन स्क्रिप्ट पे छापा पड़वाओगी, या जो शो रात में हिट होते हैं वो दिन में रिपीट होते हैं, सच ब्यूटीफुल लाइन जो आपने कहीं किसी और शो में नहीं सुना, तो उनके लिए एक ज़ोरदार तालियाँ जो ये लिखते हैं जो ऐसा सोचते हैं। अब बारी है स्कोर्स की, अर्चना जी। मेरा बेटा आयुष्मान हमेशा पूछता है कि मम्मा ये स्कोर्स जादू कैसे जाते हैं, तो आई टेल हिम लाइक शेखर वाज़ सेइंग, आई टेल हिम कि ये जादू है। तो ये जादू आज मेरे बेटे आयुष्मान के लिए है और ये स्कोर्स आप दोनों के लिए। आपको मिलते हैं
9 points. Thank you. शेखर जी जा आपको मिलते हैं Yay! 10 points. Please welcome Aarti as Basanti and VIP as various characters. अरियो छमिया जरा बता आज की एपिसोड की थीम क्या है रे रब ने बना दी जोड़ी लेकिन हमारी जोड़ी रब ने नहीं इन सब ने बनाई है इन सब ने रंग दे रंग दे रंग बाद में देखूंगा पहले अपना ढंग तो देख ले रे बुढ़िया आए मुझे छेड़ रहा है इसे छेड़ूंगा इसे छेड़ के क्या मैं अपनी जिंदगी के साथ छेड़खानी करूंगा हाथू इस बुढ़िया को मैंने एक बार फेसबुक पे फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट क्या भेज दी ये तो पगला गई ना ओए बड़ी टैलेंटेड बुढ़िया हूँ मैं फेसबुक पर मिस कॉल मार देती हूँ तू बड़ी खूबसूरत है रे बुढ़िया अरे मुझे तुझसे बहुत डर लगता है बहुत डर अरे डर तो सबको लगता है गला तो सबका सूखता है पर डर के आगे ही तो जीत है रे इसकी ड्यू डेट खत्म होती जा रही है और माउंटेन ड्यू की ऐड कर रही है तू हाथू चुप बैठ यहाँ से निकल जा हाथू शेखर जी वैसे आपको मेरा बुड्ढा का एक्ट कैसा लगा अच्छा तो लगा नहीं होगा आपकी शक्ल से नजर आ रहा है कि गंदा लगा अरे भरी जवानी में ऐसा एक्ट दे देंगे तो क्या करूंगी मैं चलो अपनी असलियत दिखा ही देती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की तो आदत है नहीं अरे चाचा जान बोल और फिर धीरे से चाचा जान में से चाचा निकाल देना ओफो जरा इनको देख लो चाचा में जान निकलने वाली है और बोल रहे हैं चाचा निकाल दो मैं तो अंधा हूँ मुझे थोड़ी दिखाई देता है फिर भी मैं तुझे एक जादू दिखाऊंगा आए ये पीला वाला अब अंधा हूँ देखते समय अंधा नहीं था ये बताओ पीला वाला बोल कहाँ पर है लेफ्ट में झूठी कही कि राइट में है अब बताओ अब कहाँ है राइट में सही झूठी लेफ्ट में है इस तरह से बार बार करती रहेगी हाँ जादू सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ अब ये बॉल जो है एकदम बीच में आ जाएगा पूछो कैसे कैसे जादू यही सिखाया था भाई छिचोरापन मत बोल अगर इस छिचोरा अगर रोमांटिक में आ गया ना कभी तो ये छिचोरा तुझे छोरा पैदा कर देगा और अगर गलती से छोरी हो गई तो देखो शेखर मूड में तो ये भी है शेखर जी देखो कैसे कैसे लोग मुझे प्रपोज कर रहे हैं आपको बुरा नहीं लगता क्या बहुत वैसे एक बात बोलूं कोई इसलिए मेरे साथ जोड़ी नहीं बना रहा है क्योंकि अब बसंती पुरानी हो चुकी है कृष्णा अच्छा हुआ तू आ गया वैसे भी मेरा एक्ट डूब रहा था कृष्णा अरे यार मैं कृष्णा नहीं मैं जीतू अरे जीतू जी आप प्यार का तोहफा तेरा बनाए जीवन मेरा एक मिनट पहले मैं इसे तोहफा दे दूं अरे ये बताओ बेटी मेरी बेटी ने तुम्हें कभी सीरियल में चांदे से ना बोला कभी नहीं मेरे बेटे ने तुम्हें कभी छेड़ा नहीं हो ही नहीं सकता मैंने तुम्हें कभी कुछ अनाप शनाप बोला नहीं तो फिर तुम दोनों भाई बहन मिलके मेरी बैंड क्यों बजाते हो सॉरी 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 ये छोड़ो ये बताओ तुम खाली दो ही भाई बहन हो ना हाँ पापा ने तो दो ही बताया आज तक वेरी गुड तुम्हारे पापा ग्रेट है तुम्हारे पापा नाइस है हेलो है क्या बात कर रहे हो
नमस्ते जी जुदी, आशीर्वाद चाहिए, छोटा भैया पैदा हुआ है घर पर। और एक छोटा कृष्णा, वो भी मेरा बैंड बजाएगा, वो भी ऐसे। तेरी बात ना सुन के नाना। अर्चना जी कैसे लगे बसंती के आशिक? जिस चीज ने इस एक्ट को सेव किया है वो है आपके जीतू जी की एंट्री। यू केम लाइक अ स्टार लाइक जीतू जी इज एंड छा गए आप स्टेज पर। आरती आप में बहुत टैलेंट है और कृष्णा जितना ही टैलेंट है। मुझे लग रहा है कि इस स्टेज को आप थोड़ा और अपनाएं और अभी हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत पक्की टक्कर हो रही है। सो आई वॉन्ट टू विश यू बोथ द बेस्ट, लेकिन आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। शेखर जी, पता नहीं जितेंद्र जी ने फिल्में बचाई या ना बचाई, लेकिन ये एक्ट जरूर बचा लिया। अर्चना जी स्कोर 7 points, शेखर जी 7 points अगेन। बनाई जोड़ियां तो देख ली, अब कॉमेडी सर्कस ने किस जोड़ी को बचाया है, किसको डेंजर जोन में बुलाया है, ये देखना है। कल के और आज के जजेस और ऑडियंस को जोड़कर आज दो जोड़ियां हैं खतरे में और आज की पहली बॉटम जोड़ी है राजीव निकम एंड मनीष और दूसरी बॉटम जोड़ी है आरती एंड वीआईपी। प्लीज दोनों स्टेज पर आ जाइए। राजीव एंड मनीष, कल के और आज के स्कोर्स को मिलाकर आपको मिलते हैं 51 points। वीआईपी एंड आरती, आपको मिलते हैं 47 points। आई एम सॉरी, आज आपको हमारा साथ छोड़ना होगा। मनीष एंड राजीव, प्लीज टेक योर सीट। Something here, once again, Anita. VIP, आप तो हमारे यहाँ पर यहाँ के एक्सपीरियंस सोल्जर हैं, लेकिन आरती आप कृष्णा से भी एक स्टेप आगे हैं। तो ये मत सोचिए आप आज एलिमिनेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट, मैंने पहले भी कहा था। सो यू आर वंडरफुल बोथ ऑफ यू एंड वी वुड लव टू सी यू अगेन। ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां आरती और VIP के लिए। स्पेशल में अगले हफ्ते ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का जादू, सर चढ़कर बोलेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।